प्लास्टिक का इस्तेमाल ही कम किया जाए। और हम जानते हैं कि हमारे देश में ज़्यादातर आबादी है वो शहरों में नहीं गांव में रहती है, और अगर गांव में ये जागरूकता फैल जाए और गांव के लोग ये समझ जाएं तो बहुत बड़ी समस्या तो अपने आप में ही उसका समाधान हो जाएगा। तो कम इस्तेमाल से क्या मतलब है? मतलब अगर मेरे घर में कुछ 10 मेंबर्स हैं, मान लीजिए गांव में तो बड़े बड़े घर होते हैं, पूरा घरेना होता है, तो वहाँ पर कम इस्तेमाल को किस तरीके से समझाया जाए? देखिए, कम इस्तेमाल का मतलब ये हुआ कि कुछ चीज़ें तो इनएविटेबल हैं कि उसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल तो होता ही है, बट हम प्लास्टिक का अल्टरनेटिव कपड़े के रूप में बहुत ज़्यादा उपलब्ध है। इसी प्रकार में कागज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऑटोमेटिकली जब हम कपड़ा या कागज़ का इस्तेमाल करेंगे तो प्लास्टिक की जो कंजम्पशन है वो कम होती जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत में रूल्स जारी कर दिए गए हैं। उन रूल्स के तहत में हमने ये डिफाइन कर दिया है कि इस थिकनेस के नीचे वाला प्लास्टिक हम धीरे धीरे एलिमिनेट कर देंगे। दिसंबर 2022 तक हमें 120 माइक्रोन से नीचे वाले जो भी प्लास्टिक हैं उनको हमें एलिमिनेट कर देना है। ये प्रोड्यूसर एंड पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है और कंज्यूमर एंड पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो इसमें अगले कुछ महीनों में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे, ना सिर्फ अर्बन एरियाज़ में बट रूरल एरियाज़ में भी। जी,